मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर दौरा है। चुनाव प्रचार के आज आखिरी दिन सीएम अशोक गहलोत जोधपुर में रोड शो कर रहे हैं। फतेहपोल से रोड शो शुरू हुआ और घंटाघर में इस रोड शो की समाप्ति होगी। रोड शो के बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और बेटे वैभव गहलोत के समर्थन में प्रचार करते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर दौरे पर हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री ने रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया और जनता से वोट की अपील की। मुख्यमंत्री का रोड शो फतेहपोल से शुरू हुआ जो कि घंटाघर में जाकर संपन्न किया जाएगा। इस रोड शो में मुख्यमंत्री ने दमखम दिखाते हुए जनता से वोट करने की अपील की और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पुत्र और जोधपुर के कांग्रेस उम्मीदवार वैभव गहलोत के समर्थन में जनता से वोट करने की अपील की। चूंकि चौथे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और इसी के तहत मुख्यमंत्री कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। कल भी चूंकि वो जोधपुर के दौरे पर थे और आज भी मुख्यमंत्री जोधपुर में रोड शो करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री रोड शो में किस तरह से कार्यकर्ताओं की भीड़ और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हैं और सभी के हाथ में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अशोक गहलोत की तख्तियां हैं और साथ ही कांग्रेस के समर्थन में लोगों ने जमकर नारे लगाए। इस रोड शो के दौरान रास्ते में जगह जगह बैनर लगाकर कांग्रेस के समर्थन में वोट करने की अपील की गई और ये रोड शो फतेहपोल से शुरू हुआ जो कि घंटाघर जाकर संपन्न होगा। मुख्यमंत्री ने जनता से वोट करने की अपील की और कांग्रेस को जिताने का आह्वान किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला और मुख्यमंत्री ने रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। चूंकि चौथे चरण के मतदान के लिए आज प्रचार का अंतिम दिन है और इसी के तहत सीएम अशोक गहलोत कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते और आज जोधपुर में फतेहपोल से रोड शो की शुरुआत की जो अब घंटाघर जाकर संपन्न होगा और इस रोड शो के जरिए मुख्यमंत्री ने जनता से वोट करने की अपील की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सभी कार्यकर्ताओं के हाथ में कांग्रेस के समर्थन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका वाड्रा गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत की तस्वीरें हैं और साथ ही पूरे रास्ते में जगह जगह बैनर लगाकर कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के समर्थन में जनता से वोट करने की अपील की। चूंकि राजस्थान में 29 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होने हैं और चौथे चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और इसी के तहत सीएम अशोक गहलोत तो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते और पूरे जोश के साथ, पूरे दमखम के साथ जनता को सही सरकार चुनने और साथ ही कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। इस रोड शो की जोधपुर में शुरुआत की गई फतेहपोल से और पूरे रास्ते में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह बैनर लगाकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। और आपको बता दें कि आज इसी खबर पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए वरिष्ठ संवाददाता संयोग जैन हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। संयोग, आज चुनाव प्रचार का चौथे चरण के चुनाव के लिए अंतिम दिन है और कल भी मुख्यमंत्री जोधपुर में थे और आज भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर में मौजूद हैं और एक बड़े रोड शो के जरिए जनता से वोट की अपील करते नजर आए। संयोग, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी ज्योति, हाँ मैं आपको सुन पा रहा हूँ।
जी सहयोग, मैं आपको पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से कल भी मुख्यमंत्री जोधपुर में थे और आज चुनाव प्रचार का राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए अंतिम दिन है और इसी के तहत मुख्यमंत्री कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, सुबह से ही अलग अलग जगहों पे जनसभाओं को संबोधित करना और अभी फतेहपुर से एक बड़े विशाल रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए, क्या कुछ अपडेट? जी ज्योति, आपने बिल्कुल सही फरमाया, मुख्यमंत्री ने पूरी जान लगा रखी है इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर, जोधपुर के अंदर, क्योंकि उनके बेटे वैभव गहलोत यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल से यहाँ पर रुके हुए हैं और आज 29 अप्रैल को जो चुनाव होना है, जो मतदान होना है, उसका आज प्रचार का अंतिम दिन है और आज फतेहपुर से लेकर के घंटाघर, जो कि जोधपुर का इलाका है, जो कि बिल्कुल जैसे कह सकते हैं पुराना जोधपुर का इलाका है, वहां पर आज रोड शो किया जा रहा है। अशोक गहलोत अभी थोड़ी देर पहले ही यहां पर पहुंचे हैं, वैभव गहलोत लगातार यहां पर रोड शो कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सही बिल्कुल कहा जा रहा है कि एक शक्ति प्रदर्शन है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए भी बड़े साख का सवाल है, क्योंकि उनके बेटे यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पर माहौल काफी हद तक अशोक गहलोत के और उनके बेटे के पक्ष में नजर आ रहा है, तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि यहाँ के जो चुनाव है वो बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव होगा और सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, ना कि राजस्थान के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के तौर पर उम्मीदवार हैं और वैभव गहलोत यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं और काफी रोचक यहाँ का चुनाव देखने को मिलेगा राजस्थान की जनता को। जी ज्योति, जी सहयोग सही फरमाया आपने कि एक तरफ केंद्रीय मंत्री भाजपा ने गजेंद्र सिंह शेखावत को मैदान में उतारा और कांग्रेस ने वैभव गहलोत को, यानी कि मुख्यमंत्री के पुत्र को मैदान में उतारा। वैभव गहलोत सहयोग पहली बार चुनावी मैदान में उतरे, वो भी कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं, लोकसभा स्तर पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ चुनौती मानते हैं आप? जी देखिए, ये चुनाव जो है वो वैभव गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में नहीं है, ये चुनाव जो है वो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में का। हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत भी कोई बहुत बड़ा कद नहीं रखते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने, पर जिस हिसाब से अभी राजस्थान क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मोदी लहर का पैमाना देखा जा रहा है और लोगों की नजर के अंदर काफी हद तक मोदी 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 नजर आता है, तो इसलिए ये चुनाव जो है वो काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का साथ का सवाल इसलिए है क्योंकि उनके सुपुत्र वैभव गहलोत पहली बार चुनाव मैदान के अंदर हैं और उनका राजनीतिक करियर की ये जो पहली शुरुआत है, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसी भी प्रकार की कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं इस चुनाव के अंदर। जैसे कि अभी उदयपुर के अंदर भी जब राहुल गांधी आए तो उन्होंने कहा ये वाली बात कि कौन ऐसा बाप होगा या कौन ऐसा पिता होगा जो अपने बेटे के लिए चुनाव मैदान में नहीं उतरेगा या किसी भी प्रकार की ऐसी व्यवस्था नहीं करेगा जिसके जिस हिसाब से उसके बेटे का करियर सेट हो। तो कुल मिलाकर के ये निश्चित तौर पर वैभव गहलोत नहीं, ये अशोक गहलोत वर्सेस गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच का चुनाव है। जी सहयोग, जिस तरह से हमने तस्वीरों में देखा कि साफ तौर पर जोधपुर में आम जनता में भी काफी जोश है वैभव गहलोत के चुनाव को लेकर, जगह जगह बैनर लगाए गए कांग्रेस के समर्थन में और साथ ही बड़ी संख्या में लोगों के हाथों में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और अपने जननायक की तस्वीरें नजर आई, यानी कि आम जनता और कार्यकर्ताओं में भी काफी जोश है। जी निश्चित तौर पर ज्योति, जैसे मैंने आपको बताया क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद यहाँ पर पड़ाव डाल करके बैठे हुए हैं तो, और ये इनका होम टाउन है, यहाँ पर कई मर्तबा वो विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, तो लोगों का उनसे डायरेक्ट अटैचमेंट है, वो डायरेक्ट यहाँ पर लोगों को जानते हैं और वैभव गहलोत पहली बार यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं पर इस क्षेत्र को उसको भी बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है, तो इसलिए लोगों के अंदर जोश होने का जो पैमाना है वो स्वाभाविक है क्योंकि उनका एक साथ का रहने वाला व्यक्ति यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है, तो निश्चित तौर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है क्योंकि यहाँ के लोकल, दोनों ही लोकल लोग यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए भी मैं बताना चाहूंगा क्योंकि वो यहाँ पर जोधपुर विश्वविद्यालय जो है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय है उसके यहाँ पर अध्यक्ष रह चुके हैं और छात्र राजनीति से लेकर के आज सक्रिय राजनीति तक उन्होंने बहुत अपना एक महत्वपूर्ण रोल निभाया है यहाँ पर, तो दोनों ही नेता जो है बहुत बड़े कद के नेता है। हालांकि अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में राजनीतिक करियर बहुत बहुत वाइड है, बहुत डिफरेंस है दोनों के बीच में, पर दोनों जनता से जुड़े हुए नेता हैं तो निश्चित तौर पर जो जनता है वो बहुत इन्वॉल्व होकर के इस चुनाव के अंदर मौजूद है, इसलिए स्वाभाविक तौर पर हम देख सकते हैं लोगों के बीच में चाहे से वो राहुल गांधी हो, चाहे से वो प्रियंका गांधी हो, चाहे से अशोक गहलोत हो, चाहे से वो वैभव गहलोत हो,
तो एक बहुत बड़ा चुनावी माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी सहयोग, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बार फिर से आपको बता दूं कि वैभव गहलोत के समर्थन में मुख्यमंत्री जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और साथ ही रोड शो के जरिए दमखम दिखाते नजर आए।